आगे तूफान में। चलो अब नहीं दिख रहा, कहीं रुकने की जगह नहीं है। रुकने का मतलब भी खतरा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा, फॉग जैसा हो गया। इधर सीधे से क्यों नहीं चल रहा? हम चला दें? एक नए ट्रिप की शुरुआत फिर से हो गई है और ये नींद में है पूरी तरह से। सनी सिंगापुर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कब पहुँचते हैं, कितनी देर लगता है, कितना समय लगता है। और मौसम भी अपना रंग दिखा रहा है अच्छी तरीके से, वो दिख रहा होगा ये तूफान है, आंधी चल रही है, रेतीली आंधी है, ये कोई बादल नहीं है, ये रेतीले आंधी है, रेत की आंधी चल रही है। तो अभी इधर ही आने वाला है, सामने भी दिख रहा होगा, आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इनको। अरे कभी ऐसा हुआ नहीं है इधर, ये पहली बार हुआ, ये रेगिस्तान वाले आंधी चल रही है ये। हाँ एकदम अजीब है भाई, ये क्या है? बड़ा तूफान है, गाड़ी के पीछे ही चलो भाई, पहली बार हुआ। उसका पोल वोल सब गिर गया, नहीं बिठा रहे ना। अच्छा वो बिठा रहे हैं, ऐसी आंधी हम भी नहीं देखे। अरे मैंने भी नहीं देखा कभी, इधर ऐसा आता ही नहीं है, ये तूफान है। मैदानी इलाका तो है नहीं है? नहीं नहीं, सब ऐसा ही है कि इधर लंबे लंबे जाओगे, ये पहली बार ऐसे हुआ है। अगर आई ना तो बर्फ के गोले पड़ेंगे। हाँ अगर बारिश आएगी तो ऐसा रेतीला तूफान हम आज तक नहीं देखे। पहली बार आया, मैंने भी कभी नहीं देखा यार। मैंने कभी नहीं देखा, ये खतरनाक है, ये तूफान खतरनाक है, गाड़ी वाला आगे नहीं जा रहा। नहीं कहीं रुकने लायक जगह भी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे तूफान में। रुक के चलो, कहीं रुकने की जगह नहीं है। रुकने का मतलब भी खतरा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा, फॉग जैसा हो गया। इधर सीधे से क्यों नहीं चल रहा? पूरे को अच्छा ही मोड़ दिया। और खाएंगे लो कोना सा बचा है, भूख लगा हुआ सो रही है। अभी कैमरा बंद कर दो, अभी कैमरा बंद कर लो, अभी खाने जा रहा है। कैमरा बंद करने? हां खाने जा रहा है। तो क्या करने के लिए कैमरा, क्या करने जा रही हो? खाने। कैमरा बंद कर दें? हम चला दें? अंदर ये लकड़ी का लगा हुआ है, बहुत ही कम स्पेस है, और लकड़ी का जो गियर टाइप का है वो भी लकड़ी का है, ये बैल घूमेगा। और कौन भूखा है? गैया भूखी है। हाँ तो तुम पी रहे हो तब ना, जल्दी लो आ रही है, मम्मी मम्मी को पकड़ लेगी। मशीन गया, चल यहाँ पे देखिए कितना कुंटलों में प्याज है, प्याज दिख रहा है, देखिए कितना प्याज, प्याज ही प्याज, प्याज ही प्याज, प्याज ही प्याज, देखिए ये कितने प्याज हैं। हाय
तो ये मंदिर है, सनी सिंगापुर में आ चुका हूँ। तो ये मंदिर है, इधर का जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, जिधर मेरा हाथ दिख रहा है, ये नया बना है। इधर के स्ट्रक्चर नए बने, ये जो रोड आ रहा है ये नया बना हुआ है। ये पूरा मैदान था, यहाँ छोटे 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 दुकान थे, प्रशासनिक कार्यालय भी नहीं बना था पहले, 2013 की बात बता रहा हूँ। उधर से आना होता था, वहीं पे गाड़ी वाड़ी यहीं रुकती थी और गुमटी जैसे दुकानें थी छोटी छोटी। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि ये कटरा है वैष्णो देवी का, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़े इलाके में ये तब्दील हो गया है। अभी एक रैली भी निकली थी। माना जाता है कि लगभग 400 साल से विराजमान है यहाँ शनिदेव भगवान। इनकी मूर्ति को स्वयंभू कहा जाता है। यह लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। लगभग 3000 जनसंख्या की सनी सिंगापुर गांव में किसी के घर में भी कोई दरवाजा नहीं है। यदि है तो महज जानवरों को रोकने के लिए बना है। उसमें ना तो कुंडी है ना ही ताला लगाया जाता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ कभी चोरी नहीं होती। यदि अगर किसी ने चोरी करने का प्रयास किया तो शनिदेव खुद उसे सजा देते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने वाहनों पर ताला नहीं लगाते हैं। किसी भी मेले में कोई भी वाहन या किसी प्रकार की कोई चोरी या दुर्घटना दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंकों और संस्थाओं में भी ताला नहीं लगा होता है। अद्भुत है ना? तो आइए दर्शन करते हैं इनके और लीन होते हैं इनकी आस्था में। ये शनि सिंगापुर में देखिए, ये है शनि भगवान और ये आरती हो रही है। और मैं आपको आरती का भी समय में पहुंच गया हूं, तो मैं दिखा दे रहा हूं। नया बना है 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और ये एक्सप्रेस वे है। फिलहाल अभी हम लोग सनी सिंगापुर से निकल आए हैं और त्र्यंबकेश्वर की तरफ चल दिए हैं। गाड़ी में सभी लोग सो चुके हैं, रात के बज रहे हैं 11। ओम नमः शिवाय। तो दर्शन हो गए हैं भगवान के, त्र्यंबकेश्वर जी के। मैंने कोशिश की आपको बहुत कुछ दिखाने की। और ये प्रांगण है, प्रणाम कर लें, दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए है।